मैं कुलवंत सिंह ढिल्लों पंजाब सुपर चैनल में देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो इस वक्त असी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के तो असी इस वक्त सरदार प्रोफेसर सतनाम सिंह जी सानों सरदार बंता सिंह जी के नाल उन्होंने निवास स्थान से बैठे हाँ। तो आओ उन्होंने गलबात करते हैं कि वह की कहते हैं। आम आदमी पार्टी वालों अपने वॉलंटियर भी ने सेवादार भी ने पार्टी के, तो आओ इन्हां नाल गल करते की कहते हैं। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सब तो पहला तो मैं पार्टी कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी प्रधान पंजाब भगवंत मान जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने मैंने सूबा पद्धर से जॉइंट सैकटरी इंटलैक्चुअल विंग लगाया और पार्टी के बुद्धिजीवी लोगों पार्टी के संगठन के लैके दिया। और मैं अरविंदराज चौधरी इस मकसद वास्ते काम कर रहा और पार्टी में सफल कर सेवा कर रहे जी। मतलब इस चीज ठीक है। तो अच्छा सर, ये कदों तो मतलब कि ये पार्टी जी है अपनी आम आदमी पार्टी ये कदों तुम ज्वाइन की थी? मैं जी पिछली बारी जून के ज्वाइन की थी। मैं रिटायर हो रही कॉलेज के जो मैं सारा कुछ देखा कि दुनिया रवायती पार्टियां ने तो किस तरह देश में लुट रही ने सारा उन्होंने धन जोड़ा अपने अपने घर इकट्ठा कर लिया तो आप मार रही ने थले उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिता और लोगों का खून बर्बाद करता। तो मैं सोशल सर्वेंट से इस करके मैं सोचा कि कोई पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन की जाए ता कि लोगों वास्ते काम पावर आके किया जाए। तो फिर मैं आम आदमी पार्टी बारे सुनिया विचारधारा तो पढ़ी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जी सरकार चला रहे हैं एनालिसिस किया तो मैं आम आदमी पार्टी चाहिए। तो सर पार्टियाँ तो होर भी जिदा कांग्रेस पार्टी आ ये भी सर पूरे मतलब कि देखो कि इन्होंने भी वजूद है कांग्रेस पार्टी का अकाली दल ने इन्होंने सारे का कि वजूद है। तो तुम ये आम आदमी पार्टी क्यों चूज की हाले कि यदा कोई वजूद भी नहीं सी उस टाइम तो इतने पंजाब के मेरे वीर जी गल असल है कि हूँ तक 1952 पहले इलेक्शन हुई और हूँ तक जिन्हें इलेक्शन हुए ने सेंट्रल लैवल से भी स्टेट लैवल से भी सेंट्रल लैवल से कांग्रेस और बीजेपी राज करती रही है बिच थोड़ा बहुत लैफ्ट किया लाल जनता पार्टी करके वो लग गया लेकिन आंदा होल कांग्रेस और बीजेपी का स्टेट। अच्छा सर होर जिदा कि मान लो इन्होंने आ नशे का जोड़ा चल रहा है कि नशे सर देखो कि अपने हूँ पंजाब के प्रधान बनाता वा सिद्धू पाल ठीक है जी तो सिद्धू बारे की कहना थोड़ा मैं तो पूछा भी कि सिद्धू साहब जेडे थोपताड़ी बारे देखो वह इमेज की है हूँ जो कांग्रेस साढ़े चार साल हो गए ने उदों तो बोलिया नहीं हूँ बैबल कांड से बोलिया उन्होंने सिर्फ एक दो मुद्दा उन्होंने ऐ लगता भी यो मुद्दे ने एजुकेशन का हेल्थ का नशे का बिजली का रुजगार का इन्हों विषया बारे पूर्ति करानी हो नशा तो उन्हें की करना जो बेसिक मुद्दे है उन्हें भी बोल रहा और उसका मकसद सिगा सिर्फ पार्टी का प्रधान बनना वो बन गया हूँ कुछ गया नहीं अहदे वास्ते लड़ता रहा वा वो पंजाब के ड़ी कपिल शर्मा दे शो दे आउंदे ही जदों देखो तुसी उत्ते की करदे सी किसाना दा इन्ना ज्यादा सर रौला पै रहा है पूरे मेरे ख्याल में इंडिया के जिन्ने किसान ने वो सारे ही दुखी ने इस चीज़ तो अपने पंजाब के जोड़े खास करके जिते ही रह रहे अं तो उतों की गल करते हैं कि पंजाब के किसान ने जोड़े ये दिल्ली जाके बैठे ने साड़िया कई ऐसा भैन भी ने
कि जड़ियाँ अपने छोटे छोटे बच्चे गोदियाँ में चुना चुके ने जी पिछले नवंबर तो ये चल रही है। अच्छा जी दिल्ली बॉर्डर वाली जी हाँ जी हाँ जी नौ साढ़े नौ मिले हो गए असी टीमा बन के हर जिले चो जाते रहे और असी चार बारी जा रहे खुद मैं जो जिला प्रधान सीगा असी चार बारी सारे हल्के की टीमा लैके जा रहे और साडा गुरु तेग बहादुर मेमोरियल सिंह बॉर्डर से जो बॉर्डर है उसके पत्थर हाँ जी हाँ जी वो गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है बड़ा वाला गुरुद्वारा साहब है। हाँ जी हाँ उत्थे केजरीवाल साहब ने टेंट ला के लंगर 24 घंटे लाया और बिस्तरे उछाए हुए ने सौन वास्ते पानी साफ सुथरा और नहाने वाला सर्दियों च गर्म पानी मिलता है जिहड़ी फ्लशां ने जिहड़ियां जिहड़ियां हुंदियां ने आम टेंपरेरी फ्लशां ट्रकां दे तीन चार फ्लशां एक ट्रक दे और ये सारा कुछ उत्थे इंतजाम आ साडियां ड्यूटियां लगदे ने असीं खुद लंगर बना के बिठाते रहे हैं लोगों को सौन वास्ते दे रहे हैं लंगर लैके संगत विच भी जांदे ने जिहड़ी उत्थे सिंह बॉर्डर ते असीं पूरी सपोर्ट की है किसानों हूँ तीकर अजे भी कर रहे हैं और सरकार जी केंद्र सरकार है केजरीवाल साहब ने बड़ी बार ये गल की है कि केंद्र सरकार को ये जो कानून दिने रद्द कर देने चाहिए है ये कल किसान वास्ते ही खतरनाक नहीं गए आम पब्लिक सारे हाँ जो जखीरेबाजी है जी स्टॉक वाली गल चाहे मजदूर है चाहे कोई भी है हर एक वास्ते कानून जोड़े ने यह माड़े ने। हाँ वो देखो वो पास कर चुके उन्होंने रद्द नहीं करने क्योंकि वो प्राइवेट जिहड़े अदारे ने अदारे कारपोरेट घराने ने उन्हां दे हक्कां दे विच खेड़ रहे उन्हें नहीं माफ करना कुछ भी जिन्ना चिर मर्जी बैठे रहने में उन्हें अंग्रेज चक्के यार जदों प्रधानां हुंदियां जो मन दिंदे सी मान लैंदे ओह झुक जांदे सी ਇਹ ਤਾਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਬਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੀੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ